हाय, दिस इज जन्नत जुबैर रहमानी. मैं पंक्ति शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तू आशिकी में. हाय, दिस इज ऋत्विक अरोड़ा. मैं आहान धनराजगिर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तू आशिकी में. किस तरह का शो है, एक लाइन में बात करें? दिस इज अ शो अबाउट एंडलेस लव. इट्स अबाउट एक लाइन थोड़ा एक्सीड करूँगा अगर इजाज़त देंगे तो. इट्स अ शो अबाउट एंडलेस लव. इट्स अ शो अबाउट रोमांस. इट्स अ शो अबाउट ड्रामा. इट्स अ शो अबाउट एक्शन. इट हैज ऑल द कलर्स दैट देयर आर इन द इमोशनल प्लेट. आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? मेरा किरदार जो है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आजकल के टीनेजर्स होते हैं. वो बहुत ही अलग है. आई थिंक पंक्ति है, अभी हम 2017 में जी रहे हैं, बट पंक्ति शर्मा जो है वो 80s का आप सोच लीजिए, वो 1980s में जी रही है. जो माने कह दिया वही सही है. वो जो घर है चार दीवारी, उसी में उसकी दुनिया है. उसके बाहर जाने का बस वो सोचती है और वो सोच ही रह जाती है. और बिल्कुल भी सोशली एक्टिव नहीं है. ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स हैं, घूमना फिरना कुछ भी नहीं. सिर्फ माँ है, वो चार दीवारी है. वो पोएट्री लिखना पसंद करती है, गाना गाना पसंद करती है. बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वो उसे खुशी मिलती है और वही वो करती है घर में, और कुछ भी नहीं है. हमारी केमिस्ट्री शो के अंदर तो बहुत ही अच्छी होगी, होपफुली. आगे जो हम सीन्स करेंगे उनमें, अभी तक के उतनी आगे स्टोरी नहीं आई है. बट जैसा कि आप शो का नाम ही देख रहे हैं तू आशिकी, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी होने वाली है. एक बहुत ही प्योर केमिस्ट्री होगी इस शो में एसेंशियली, और जिस्मानी नहीं होगी जैसे आजकल दिखाते. एक जो पहला प्यार होता है, पहला एहसास होता है जब बड़े होते हैं, जिससे प्यार होता है, वैसी केमिस्ट्री रहेगी. और बहुत बहुत ही अनकंडीशनल केमिस्ट्री रहेगी. कि मतलब मेरा प्यार, मेरे कैरेक्टर का प्यार इनके कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका कैरेक्टर का प्यार मेरे प्यार पे डिपेंडेंट नहीं है. तो बहुत ही एक इंडिविजुअल और एक अनकंडीशनल सी केमिस्ट्री रहेगी. इसमें भी ताल्लुक है आपका इससे, मतलब सिंगिंग से? हाँ जी, गिटार वगैरह बजाते हैं. हाँ जी. तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ. जहाँ आर्ट आ जाती है, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे पेंटिंग है, चाहे गिटार बजाना है, चाहे डांस करना है, मुझे सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है. कुछ भी क्रिएटिव हो, अगर ये रूम भी सजाना है तो मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी आएगी. मैं ऐसा हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानता हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने को मिल रहा है. हाँ, अभी एज ऑफ नाउ मैंने इस शो में नहीं गाया है, बट इन द फ्यूचर वी होप के गवाएंगे मुझसे. किताब में देखा जो ख्वाब में, हर पल जवाब में मिला तू ही. तू आशिकी, तू आशिकी. शो बेसिकली इट्स अ रिबेलियस लव स्टोरी आहान और पंक्ति के बीच है. बहुत ही अलग टाइप की लव स्टोरी है जो ऑडियंस ने आज तक देखी नहीं है. कुछ नया कंटेंट है, नया कॉन्सेप्ट है. तो आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए. आपके किरदार के बारे? मेरे किरदार का नाम है अनीता. आई एम प्लेइंग पंक्तिज मदर. शी इज़ अ विशियस वुमन. अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. शी इज़ ऑब्सेस्ड विद पावर एंड मनी. इसीलिए वो अपनी बेटी को, पंक्ति को, एक पॉन की तरह यूज़ कर रही है अपने सेल्फिश गेन के लिए. सर, आप क्या कहना चाहिए शो के बारे में? सोमवार से शुक्रवार देख लो, मैं कह दूंगा तो कहाँ देखोगे आप यार? TRP क्यों कम करवाऊँ मैं? 7 बजे रोज शाम को देखो. सर, किस तरह किरदार है आपका? खतरनाक है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. मैं बोल रहा हूँ 10 एपिसोड तक बर्दाश्त प्लीज कर लो, उसके आगे भी कर लो. हम बताएं, म्यूजिक कंपनी का ओनर हैं, तो किस तरह कहानी घूमती है पूरी? गोल गोल, बिल्कुल CD की तरह गोल गोल घूमती रहती है. सर, दोनों लड़के लड़के के काम की बात करें, बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फास्ट पिकअप करते हैं. देखो, आपको जब आप उन लोगों को देखोगे, अब तक तो प्रोमोज में आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, तो देखते हैं आगे जब एपिसोड आएगा तब. टाइटल की बात करें, कितना मैच करता है इससे? किसका कैरेक्टर? ये जो टाइटल है, हाँ, स्टोरी को लेकर कितना पूरा इसमें? क्या तू आशिकी? सबकी आशिकी है इसमें, आप देखते रहो.
थैंक यू।